अब हमें पता है कि जब क्यूब का फार्मूला खोलेंगे तो ई की पावर थ्री आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस थ्री आयोटा जी माइनस थ्री ई की पावर आयोटा जी और प्लस थ्री ई की पावर माइनस आयोटा जी। अब हमें पता है कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन के इक्वल होता है, ये आयोटा क्यूब है, बाकी एक आयोटा बचेगा और ये माइनस वन इसको इधर लगा देंगे, ये पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू थ्री ई की पावर आयोटा जी माइनस थ्री ई की पावर माइनस आयोटा जी प्लस ये फोर ही कम फोर, फोर दो एट, ये कट गया, टू अयोटा बचेगा, टू अयोटा। अब हम जब एलसीएम लेंगे ये भी टू अयोटा, ये भी टू अयोटा, ई की पावर थ्री अयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस थ्री अयोटा जी माइनस थ्री ई की पावर अयोटा जी प्लस थ्री ई की पावर माइनस अयोटा जी और में टू अयोटा। अब थ्री ई की पावर अयोटा जी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा, फिर माइनस थ्री ई की पावर माइनस अयोटा जी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कट गया, बाकी बचा ई की पावर थ्री अयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस थ्री अयोटा जी ओवर में टू अयोटा। अब हमें पता है कि जो ये सारा साइन थ्री जी के इक्वल होता है, कि ये थ्री को हम जी के साथ भी लिख लेते हैं ऐसे भी ठीक है, तो ये साइन थ्री जी यही हमने प्रूव करना था। हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 10 यूज़ कर लिए हैं, अब हम इसका 11 यूज करेंगे। अब इसका 11 यूज करेंगे, 11 और 12 ये दोनों सेम एक जैसे दिए हुए हैं, साइन टेन जी वन प्लस टेन जी टू इज इक्वल टू टेन जी वन प्लस टेन जी टू ओवर में वन माइनस टेन जी वन जी टू, बस इसमें माइनस का फर्क है, दोनों सेम है, तो इसका एक जो करते हैं 11 टेन जी वन प्लस जी टू इज इक्वल टू टेन जी वन प्लस टेन जी टू ओवर में वन माइनस टेन जी वन टेन जी टू। जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब हम पता है कि टेन को हम इस तरह लिख सकते हैं, टेन जी वन प्लस जी टू को साइन जी वन और जो एंगल दिया जी टू ओवर में कोस जी वन प्लस जी टू। अब हम इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे तो साइन साइन जी वन यानी साइन अल्फा और कोस जी टू फिर प्लस कोस जी वन साइन जी टू ओवर में कोस जी वन कोस जी टू और माइनस कोस में अलामत चेंज हो गई माइनस साइन जी वन साइन जी टू। अब हमने ये प्रूव करना है तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे कोस जी वन कोस जी टू से इज इक्वल टू साइन जी वन कोस जी टू, जब डिवाइड करवाएंगे कोस जी वन कोस जी टू प्लस इसको कोस जी वन साइन जी टू कोस जी वन कोस जी टू, ये कोस जी वन कोस जी टू कोस जी वन कोस जी टू माइनस साइन जी वन साइन जी टू कोस जी वन कोस जी टू। अब हम पता है कि ये कोस जी टू है, ये भी कोस जी टू, ये कट जाएगा, अब कोस जी वन कट गया, ये सारा कट गया, इज इक्वल टू ये साइन ओवर कोस जी वन, ये हमारे पास टेन जी वन बनेगा और प्लस ये टेन जी टू ओवर में वन माइनस ये टेन जी वन और टेन जी टू, यही हमने प्रूव करना था। जिसका 12 जो दिया हुआ वो भी सेम इसी तरह ही है, बस उसमें नेगेटिव का फर्क है, तो ये आप खुद कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री के हमें जो दिए हुए शो डैट, पहले हम करेंगे साइन जी और उसके ऊपर बार इज इक्वल टू साइन जी के ऊपर बार,
इसका फर्स्ट जो साइन जी इज इक्वल टू साइन जी, तो सबसे पहले हम इसकी लेट कर लेंगे, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन जी केला लेंगे, फिर बाद में ऊपर से कंजुगेट लेंगे तो साइन वैसे ही आएगा, और जी की जगह हमने लिखा एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, अब हम साइन का फार्मूला ओपन करेंगे तो साइन एक्स और कोज अयोटा वाई प्लस कोज एक्स साइन अयोटा वाई इज इक्वल टू, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन एक्स और कोज माइनस अयोटा वाई प्लस कोज एक्स साइन माइनस अयोटा वाई। अब हम पता है कि ये माइनस और ये माइनस, हमने इसको इस तरह लिखा वो माइनस माइनस प्लस ही होनी है इज इक्वल टू, और कोज के अंदर जो एंगल में माइनस आ जाए वो कोज की वजह से पॉजिटिव हो जाती है लेकिन साइन में आती है, तो ये साइन एक्स। जब हम इसको फार्मूला क्लोज करेंगे तो साइन एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस और अयोटा इज इक्वल टू साइन एक्स और ये माइनस अयोटा इज इक्वल टू साइन जी। हमें पता है कि जब हमने जी इसके इक्वल लेट किया था एक्स प्लस अयोटा वाई, जब जी के ऊपर बार लेंगे तो ये अलावा चेंज हो जाएगी अयोटा वाई, तो ये वही बन गया जी के ऊपर कंजुगेट, यही हमने प्रूव करना था। अब हम इसका सेंटेंस यूज करेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ कोज जी इज इक्वल टू कोज जी कंजुगेट, इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो कोज जी इज इक्वल टू कोज वैसे ही हो जो एक्स जी की जगह हमने जो लेट किया वो लिखेंगे एक्स प्लस अयोटा वाई। जब हम कोज का फार्मूला ओपन करेंगे तो कोज एक्स कोज अयोटा वाई, और कोज का हमें पता है कि अगर पॉजिटिव हो तो लामा चेंज हो जाती है जब फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया माइनस कोज माइनस साइन एक्स और साइन अयोटा वाई इज इक्वल टू कोज एक्स और कोज अयोटा वाई। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस और साइन एक्स साइन माइनस अयोटा वाई, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर इसके एंगल के साथ लिखेंगे तो वो फिर भी माइनस इधर ही आनी है, तो अगर कोज में होती तो वो पॉजिटिव हो जानी है इज इक्वल टू कोज। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो एक्स प्लस माइनस अयोटा वाई ये फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू कोज एक्स और ये प्लस माइनस माइनस अयोटा वाई इज इक्वल टू कोज वैसे ही आ गया, और ये हमें पता है कि जब हम जी के ऊपर कंजुगेट लेंगे तो लामा चेंज हो जाएगी एक्स और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव अयोटा वाई, तो ये जी ऊपर कंजुगेट नहीं जी कोज बार इज इक्वल टू जी अकेला कंजुगेट की गोल आएगी, यही हमने प्रूव करना। अब हम इसका थर्ड यूज करेंगे, वो दिया हुआ टेन जी बार इज इक्वल टू टेन जी बार के टेन जी कंजुगेट इज इक्वल टू टेन जी का कंजुगेट, तो जी हमें पता है कि लेट हम करते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अकेला टेन जी लेंगे और टेन वैसे ही आ गया, और जी की जगह ये लिखेंगे जो हमने लेट किया एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, जब हम टेन का फार्मूला ओपन करेंगे तो टेन एक्स और प्लस टेन अयोटा वाई, पहले टेन एक्स फिर टेन अयोटा वाई ओवर में, अगर पॉजिटिव हो तो वन माइनस नेगेटिव लामा चेंज हो जाएगी टेन एक्स, अब दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे टेन अयोटा वाई इज इक्वल टू, अब हम इसको फार्मूला में जब क्लोज करेंगे तो टेन एक्स, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस टेन माइनस अयोटा वाई, फिर ये माइनस माइनस प्लस ही होनी है तो
तो वन माइनस टेन एक्स, और फिर यहाँ अगर प्लस लगा दें और टेन और इसके एंगल के साथ नेगेटिव, तो फिर ये माइनस इधर ही आएगी वो सेम ही बन जाएगा इज इक्वल टू। ये हम इसलिए किया फार्मूला क्लोज करने के लिए, अब टेन एक्स माइनस अयोटा वाई तो ये हमें पता है कि जो हम जी का ऊपर कॉन्जुगेट लें तो वो उसके इक्वल होता है, तो टेन जी कॉन्जुगेट यही हमने प्रूव करना था। अब इसका फोर यूज करेंगे वो साइन माइनस जी इज इक्वल टू माइनस साइन जी, साइन माइनस जी इज इक्वल टू माइनस साइन जी। अब हम पता है कि z को हम x प्लस आयोटा वाई के लेट करते हैं, तो साइन जब हम साइन का फार्मूला ओपन करेंगे तो माइनस z है ना इज इक्वल टू e की पावर आयोटा, और जो भी एंगल दिया हो इसमें माइनस z है तो माइनस z आ जाएगा। फिर साइन में हम माइनस लगाते हैं e की पावर माइनस वो फार्मूले वाला और जो ये दिया हुआ है माइनस z ओवर में टू अयोटा इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव करना है माइनस साइन जी के, तो ए की पावर माइनस अयोटा माइनस ई की पावर और ये माइनस माइनस प्लस अयोटा जी ओवर में टू अयोटा इज इक्वल टू। अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमें पहले ये वाली चीज़ चाहिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ए की पावर अयोटा जी और ये माइनस ए की पावर माइनस अयोटा जी ओवर टू अयोटा। अब हमने माइनस अगर कॉमन एक अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो ए की पावर माइनस अयोटा जी ये सेम यही बनेगा, तो ये माइनस वैसे ही आ गई। अब ये सारा हमें पता है कि साइन जी की इक्वल होता है साइन जी, यही हमने प्रूव करना था। अब इसका फाइव चूज करेंगे, इसका फाइव चूज दिया हुआ कोस माइनस जी इज इक्वल टू कोस जी, कोस माइनस जी इज इक्वल टू कोस जी के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोस ये वाली साइड लेंगे कोस माइनस जी, इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे तो ई की पावर अयोटा जो भी एंगल दिया हो माइनस जी, फिर कोस में प्लस ई की पावर माइनस फार्मूले वाला अयोटा और जो एंगल है माइनस जी ओवर में टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस माइनस प्लस अयोटा जी ओवर में टू। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पहले ई की पावर अयोटा जी हमें चाहिए होता है तो प्लस ई की पावर माइनस अयोटा जी, क्योंकि दोनों रकमें पॉजिटिव, इसको इस तरह लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें पता है कि कोस जी की इक्वल होता है। कोस में हमें पता है कि अकेला टू होना चाहिए, तो ये हमने टू ही लगाया, तो मिस्टेक होगी थोड़ी सी, बस यही हमें प्रूव करना था। अब इसका सिक्स यूज करेंगे, वो हमें दिया है टेन माइनस जी इज इक्वल टू माइनस टेन जी, टेन माइनस जी इज इक्वल टू माइनस टेन जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड लेंगे टेन माइनस जी इज इक्वल टू टेन का हमें पता है कि कोस साइन ओवर कोस होती है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे पहले साइन वो ई के बाद माइनस अयोटा जो भी एंगल दिया हो इसमें माइनस जी है तो माइनस अयोटा जी, फिर साइन में हमें पता है कि नेगेटिव आएगा और फिर ई के बाद माइनस फार्मूला वाला ये एंगल अयोटा माइनस जी, और साइन में हमें पता है कि टू अयोटा। अभी ये साइन हमने लिखा, अब कोस लिखेंगे तो वो हमें पता है ई की पावर माइनस अयोटा जी, फिर कोस में प्लस ई की पावर माइनस अयोटा माइनस जी, ये माइनस अयोटा फार्मूले वाला हो ये माइनस अयोटा जी जो एंगल में ओवर में टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अयोटा जी, फिर माइनस ई की पावर माइनस माइनस प्लस अयोटा जी ओवर में टू अयोटा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो
टूट जाएगा और टू ऊपर चला गया, ए की पावर माइनस अयोटा जी प्लस ए की पावर, ये माइनस माइनस प्लस अयोटा जी। अब ये टू कट जाएगा तो बाकी ए की पावर माइनस अयोटा जी माइनस ए की पावर अयोटा जी ओवर में अयोटा और ए की पावर माइनस अयोटा जी प्लस ए की पावर अयोटा जी। तो ऊपर से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस कॉमन ले ली तो ए की पावर अयोटा जी और माइनस ए की पावर माइनस अयोटा जी ओवन में ए की पावर अयोटा जी को पहले लिख लेते हैं कि दोनों रकमें पॉजिटिव हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस अयोटा जी और ये अयोटा, ये हमें पता है कि माइनस टैन जी के इक्वल होता है, ये माइनस सात वैसे ही ये सारा टैन जी। हमने एक्सरसाइज 1.3 के 6 जूस तक कर लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका 7 जूस करेंगे।